नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्लस ब्लॉग बहुधान्य डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया कंटेंट लेकर आए हैं। काफ़ी पर्सन की हमारे पास रिक्वेस्ट रही थी कि सर आप प्लीज़ और कुछ नए वीडियोस बनाए हरियाणा रोडवेज कंडक्टर से रिलेटेड। तो आज मैं जितना मुझसे हो सका मैंने जो रेड क्रॉस से रिलेटेड है इंफॉर्मेशन वो आज इकट्ठी की है। होप्स आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ आप हमें कमेंट जरूर किया करें, और अगर आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए तो शेयर भी जरूर किया करें। और उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा जो ये न्यू कमर हैं प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एग्ज़ाम्स की बनाते रहते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब के साथ बेल पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अगर आप बेल पे क्लिक करेंगे तो आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाती है। तो आइए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन था वर्ल्ड क्रॉस डे, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, फिर भी हमें पता होना चाहिए 8 मई को। ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा मुझे। 2016 के वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का थीम क्या था, तो वो था एवरीवेयर फॉर एवरी पीपल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। लगे हाथ 2017 का भी देख लेते हैं। 2017 का वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का थीम क्या था, लेस नॉन रेड क्रॉस स्टोरीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट कब फाउंड किया गया था, तो 1863 में इसको फाउंड किया गया था, यानी इसको इस्टेब्लिश किया गया था किसके द्वारा, हेनरी डोनाट एंड गस्टव मोइनर। ठीक है, तो मोस्टली हेनरी डोनाट का नाम ही ज़्यादा लिया जाता है, पर इन दोनों की हेल्प के थ्रू ये इस्टेब्लिश किया गया था। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें, जो आई थिंक इंटरनेशनल का सबसे हाई प्रोफाइल कोई नोबेल पुरस्कार कोई प्राइज़ है तो वो नोबेल पुरस्कार है, तो वो हेनरी डोनाट को 1901 में फर्स्ट शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। अब बात कर रहे हैं हम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की, IRCS। ठीक है, इससे पहले हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल कमेटी की, अब बात हो रही है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की। स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1920 में। ओके, अब बात करते हैं हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रेजिडेंट कौन होता है, तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो ही इसका प्रेजिडेंट कहलाता है रेड क्रॉस सोसाइटी का। तो इस समय रामनाथ कोविंद जी हैं, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। जी हाँ, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, देश के हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी, जिसे इस प्रकार आज की डेट में अगर हम बात करें हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो वो इसका चेयरमैन होता है। ओके, लगे हाथ और क्वेश्चन देखते हैं जो इंटरेस्टिंग है इसके साथ। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, तो वो थे श्री मेलकॉम हेले। ठीक है, इसको भी आप अपने रिमेम्बर रखना। और थोड़ा सा नोट है, जो राजकुमारी अमृता कौर है ये पहली इंडिपेंडेंट भारत की यानी आज़ाद भारत की पहली चेयरपर्सन थी इसकी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की। ध्यान रखना इसके बारे में, 14 साल तक इन्होंने इस सोसाइटी के चेयरमैन पर्सन बनकर रही थी ये। ठीक है, तो प्लीज़ इसको रिमेम्बर रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर ऑफ इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी, जो इंडिया रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका भारत में हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। ओके, फर्स्ट एड एप्लीकेशन किसके द्वारा, एक मोबाइल ऐप है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा ही लॉन्च की गई है। ओके, 12th क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी को इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस द्वारा कब यानी प्रमाणित या रिकॉग्नाइज किया गया, तो 28 फरवरी 1929 को इसको रिकॉग्नाइज किया गया, प्रकाश में लाई गई यानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक फॉर्म नंबर है हरियाणा का 8, जिसको हम मेडिकल सर्टिफिकेट बोलते हो, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो सेंट जॉन्स एम्बुलेंस के माध्यम से ये हमें मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कंडक्टर के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस समय काफ़ी लोगों की जान मान की हानि हुई थी, तो उस समय ये सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एक ट्रस्ट है वो काफ़ी हेल्पफुल रही थी उस समय, इन्होंने अपना काफ़ी सहयोग दिया था और तभी से इसके साथ काफ़ी वर्क किए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14th क्वेश्चन,
ये भी काफी इंटरेस्टिंग आजकल सुर्खियों में रहता है। वर्तमान में पंचकुला के डिप्टी कमिश्नर डीसी कौन है? तो गौरी प्राशर जोशी जी हैं, ये एक महिला हैं और ये आजकल काफी सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि जो वो दंगे हुए थे, रेयर्ट्स हुए थे राम रहीम जी के समय में 25 अगस्त को, तो इन्होंने वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा रोडवेज के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कौन है? तो वो SS ढेलन है, यानी कि अगर हम बात करें पवार जी हैं परिवहन मंत्री, ठीक है, उनके बाद अगर नंबर आता है डेजिग्नेशन वाइज तो SS ढेलन जी आते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन थे। होप सो आपको हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, इंटरेस्टिंग लगे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगे हैं तो प्लीज़ आप हमें अपना कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और हम नए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। आप इस वीडियो पे अपनी अपडेट्स देते रहें। अभी के लिए इतना ही है और कुछ नई वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।